नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द वाइट बोर्ड ज्ञान। दोस्तों आज हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार इस यूनिट से दो या तीन नंबर्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोर्ड मैथ्स रूल्स की। बोर्ड मैथ्स रूल्स में किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनके टिप्स और ट्रिक्स क्या होगी, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल। बोर्ड मैथ्स रूल में बेसिकली जो बोर्ड मैथ्स है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है कुछ एक टर्म्स की, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स हमारे चार तरीके के होते हैं, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। बार ब्रैकेट आजकल बहुत कम यूज़ में आते हैं, लेकिन हमारे पास जो बाकी के तीन ब्रैकेट है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये सारे ब्रैकेट्स हमारे लगातार यूज़ में चलते रहते हैं। इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि जब भी कभी हमें क्वेश्चन मिलता है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हमें ब्रैकेट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा अगर दिया हुआ है तो। इसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और एंड में हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मैथ्स रूल में बी का मतलब ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में हम एक सीरीज़ के साथ ही हम ब्रैकेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट सिंबल होगा वो होगा ओ। ओ मीन्स ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपका ऑफ या फिर पावर्स, एक्सपोनेंट्स वगैरह के नंबर्स आते हैं। मीन्स सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद अगर आपको ऑफ या फिर ऑर्डर्स दिख जाए आपको इसको सॉल्व करना है। आफ्टर दैट डी फॉर डिवीज़न, डिवीज़न मीन्स भाग, नेक्स्ट आपको इसको करना है। इसके बाद आपका आएगा एम, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एडिशन, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आप चाहे तो एडिशन पहले कर लीजिए या फिर चाहे सब्ट्रैक्शन पहले कर लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एडिशन पहले हो और सब्ट्रैक्शन बाद में हो। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो चलना है वो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, कभी भी आपको राइट टू लेफ्ट नहीं चलना है, आपको लेफ्ट टू राइट ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन्स सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है क्वेश्चन में, उसके बाद आप ऑफ या ऑर्डर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और एंड में आप सब्ट्रैक्शन आप करेंगे। आइए जरा इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 2, उसके बाद में है लार्ज ब्रैकेट, फिर 2, फिर प्लस 2, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर 39, माइनस 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट 17, प्लस 2, और उसके सारे ब्रैकेट क्लोज्ड। इन क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 17 प्लस 2 जो कि स्मॉल ब्रैकेट है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट जब हम सॉल्व करते हैं तो 17 प्लस 2 हो गया 19, तो हमने यहाँ पर 19 लिखा। अभी हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 और 19 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो 2 इंटू 19 हो गया 38। अब हमारे पास जो छोटा ब्रैकेट बचा वो बचा है आपका मीडियम ब्रैकेट, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 39 माइनस 38, क्योंकि ये मीडियम ब्रैकेट के अंदर में आ रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 39 में से 38 चला गया, तो हमें मिल गया 1। अभी हमारा मीडियम ब्रैकेट हटा नहीं है, हटेगा कब, जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे ब्रैकेट भी हट गया। अब हमारे पास बचा है खाली लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 2 हो गया 4, और 2 में हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 8। इस तरीके से हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। आइए अब जरा वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे SSC, CGL वगैरह में पूछे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है हमको, 3 प्लस 3 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 3 इंटू 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, दोनों हमें जो दो दो ऑफ जो हमें दे रखे हैं, हमें पहले उसको सॉल्व करना है, इसको हम सीरीज से सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस, पहले हमने लिया 3 ऑफ 3, 3 ऑफ 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 मीन्स 9, तो 3 प्लस 9 हो गया, डिवाइडेड बाई नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 ऑफ 3 इंटू 3। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम इस वाले 3 ऑफ 3 को सॉल्व करेंगे। अब 3 ऑफ 3 मतलब अगेन 9, तो हमारे यहाँ पर भी आ गया कितना 9। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3। बोर्ड मैथ्स का रूल कहता है कि सबसे पहले हम इन तीनों में डिवीज़न करेंगे, तो डिवीज़न जब हम करते हैं तो 9 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम 1 इंटू 3 करेंगे तो हमें कितना मिल गया 3। अब 3 और 3 जोड़ेंगे क्योंकि एडिशन का ही साइन है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 126 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 17। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने साइंस हैं, एक है हमारे पास में डिवाइड, एक है हमारे पास में प्लस, एक हमारे पास में मल्टीप्लाई, और एक हमारे पास में माइनस। तो बोर्ड मैथ्स का नियम कहता है सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और तब जाकर चौथे नंबर पे हम माइनस करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले करते हैं, 126 को हमने 9 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 14, प्लस 4 इंटू 3 हमें मिल गया 12, प्लस का साइन वैसा ही है, माइनस का साइन वैसा ही है। अब 14 और 12 को हम जोड़ देंगे और हमें मिलेगा 26, और 26 में से 17 चला जाएगा तो हमें मिल जाएगा आंसर 9। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी 9। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 1001 डिवाइडेड बाई 91 प्लस 27 माइनस 12 इंटू 4। यहाँ पर हमारे पास कितने साइन है, देखिए एक तो है डिवाइड का, एक है प्लस का, एक है माइनस का और एक है इंटू का, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, बोर्ड मैथ्स के रूल के हिसाब से सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद हम करेंगे प्लस और लास्ट में हम करेंगे माइनस, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 1001 डिवाइडेड बाई 91 जब हमने किया तो हमें मिलकर सॉल्व करने पर 11। अब क्या होगा, 12 इंटू 4 को हम देखेंगे, अब 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48। अब 11 प्लस 27 माइनस 48, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्लस करने का, यानी 11 प्लस 27 को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38। माइनस 48 हमें दे रखा है, अब 38 में से 48 जब हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 10। ये इंटीजर का टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बना रखी है जो आपको आई बटन में दिख जाएगी, अब वहाँ से आप इंटीजर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया माइनस 10, और माइनस 10 हमारा ऑप्शन है सी, तो मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 10। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर परसेंटेज के साथ में ऑफ दे देते हैं। जैसे इसने दे दिया 20% ऑफ 250 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 600 इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 1000। इन क्वेश्चन में हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 20% को हम 20% यानी 20/100 हम इसे कर देंगे, सेम ऐसे ही एक्स परसेंट मीन्स एक्स अपॉन 100 कर देंगे और 12.5 अपॉन में 100 कर देंगे। अब जब हमने इसको कर दिया तो हमारे जीरोज़ हमारे यहीं से कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो हमने सॉल्व किया तो करने के बाद हमें क्या मिलता है, 2 × 25 यानी 50। इसे जब हम सॉल्व करते हैं एक्स वाले को तो हमें मिलता है 6x, और 12.5 में जब हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 125। अब 6x इज इक्वल टू ये वाला 50 जो है, इस 50 को हम उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमें मिल जाता है 6x इज इक्वल टू 125 माइनस 50, मीन्स 6x इज इक्वल टू 75, और x की वैल्यू हो जाती है 75 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 12.5%। अब 12.5% हमारा बी ऑप्शन है, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन 12.5% आंसर हमें देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस लगातार बनाए रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी बोर्ड मैथ्स रूल्स के बारे में, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।